नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिलोसॉफिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त राज राठौड़। दोस्तों, हमारे देश में पत्थर पर की गई कारीगरी के बहुत से अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे ताजमहल, किराणू टेम्पल्स, अजंता अलोरा की गुफाएं। लेकिन आज हम आपको जिस जगह के बारे में बताने जा रहे हैं, यकीन मानिए उसके जैसी कारीगरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलती है। तो चलिए आज आपको बताते हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर के कुछ रहस्य। दोस्तों, कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कलात्मक भव्यता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। महान शासक राजा नरसिंह देव प्रथम ने इस मंदिर को 1243 ईस्वी के मध्य लगभग 1200 कारीगरों की मदद से बनवाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर लाल रंग के बलुआ पत्थरों और काले ग्रेनाइट के पत्थरों से बना हुआ है और भारत का सबसे प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है। इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर दो सिंह को हाथियों पर चढ़े हुए दिखाया गया है, जो अपने आप में अद्भुत और रहस्यमय है। कलिंग शैली में बने इस सूर्य मंदिर को भगवान सूर्य देव के रथ के आकार का बनाया गया था, जिसमें एक जैसे पत्थर के 24 पहिए और 7 घोड़े बनाए गए थे। लेकिन आज 7 घोड़ों में से एक ही घोड़ा सुरक्षित बचा है। ये मंदिर 3 मंडपों में बना हुआ था, पर इनमें से 2 मंडप ढह चुके हैं। लेकिन तीसरे मंडप में जहाँ मूर्ति थी, वहाँ अंग्रेजों ने रेत और पत्थर भरवा कर सभी द्वारों को बंद कर दिया था। इस मंदिर में भगवान सूर्यदेव की 3 प्रतिमाएं हैं, जो एक ही पत्थर से बनी हुई हैं। किसी समय में कोणार्क सूर्य मंदिर को समंदर के किनारे बनवाया गया था, लेकिन समंदर धीरे धीरे गायब होता गया और मंदिर भी समंदर के किनारे से थोड़ा दूर हो गया। कहा जाता है इस मंदिर के शिखर पर एक चुंबकीय पत्थर लगा हुआ था और इसके आकर्षण से कोणार्क के समुद्र से गुजरने वाले समुद्री जहाज मंदिर की ओर खींचे चले आने की वजह से उन्हें दिशा भ्रम हो जाता था और नाविकों को भारी क्षति होती थी। इस वजह से अपने जहाजों को बचाने के लिए समुद्री नाविकों ने इस चुंबक के पत्थर को निकाल लिया। सदियों से इस मंदिर को बेहद नुकसान के बावजूद इस मंदिर की सुंदरता अभी भी अद्भुत है। यदि आप वास्तुकला और मूर्तिकला में रुचि रखते हैं, तो आपको इस विश्व प्रसिद्ध स्मारक का भ्रमण अवश्य करना चाहिए। सन 1984 में यूनेस्को ने इस मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर दबा दें। फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ। जय हिंद।